हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहित मोरा और आप देख रहे हैं चलो कुछ सीखते हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाली फ़ोटो, तो ये मैंने डबल एक्सपोजर में बनाई हुई है। तो आपको डबल एक्सपोजर में फ़ोटो बनाना आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन होता है, सिंपली आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना पड़ेगा स्नैपसीड, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद स्नैपसीड को आप डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद स्नैपसीड के अंदर का इंटरफेस कुछ इस टाइप में खुलेगा। यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले एक बैकग्राउंड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, एनी कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखे, तो मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। बैकग्राउंड लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अपनी एक फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर टूल्स दिख रहा है, टूल्स पर क्लिक करिए। टूल्स पर क्लिक करने के बाद नीचे चले आइए, यहाँ पर लिखा हुआ डबल एक्सपोजर, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसका प्लस का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस फ़ोटो को बनाना है वो फ़ोटो यहाँ से उठा लीजिए। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इस फ़ोन पे क्लिक करना है। फ़ोन का आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करने के बाद ओवरले पे क्लिक कर दीजिए। ओवरले पे क्लिक करने के बाद इसको अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लीजिए। दोस्तों, मैंने यहाँ पे फ़ोटो को कर लिया है सेट। सेट करने के बाद आपको डन कर देना है, यहाँ से डन कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना बैकग्राउंड जो है उसमें ये फ़ोटो चिपका दी। चिपकाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको डबल एक्सपोजर में जाना है। डबल एक्सपोजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरा फ़ोटो यहाँ से चूज कर लेना है। तो यहाँ से मैं दूसरा फ़ोटो ले लेता हूँ, ये वाला फ़ोटो ले लिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको फुल कर देंगे और इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे जहाँ पर आपको लगाना है। तो मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद ऊपर आपको देख रहे हैं एक आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ व्यू एडिट्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एडिट पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको फ़ोटो दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आपको डबल एक्सपोजर में ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट्स चल रहे हैं, यहाँ पे 100, 75। तो इस पर आपको -0 रखना है। 0 रखने के बाद आपको यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को पूरा इरेज कर देना है। तो दोस्तों, मैं कर देता हूँ इरेज। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे फ़ोटो को स्मूथली इरेज कर दिया। इसके बाद आपको डन कर देना है। तो मैंने यहाँ पर डन कर दिया। इसके बाद आपको बैक में जाना है। बैक में जाने के बाद आप इसको थोड़ा और सही कर दीजिए। टूल्स में जाके, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेक्टिव। सिलेक्टिव पे क्लिक करके आप इस फेस को थोड़ा और गोरा कर सकते हो। ये देखिए, थोड़ा कंट्रास्ट को थोड़ा अपने हिसाब से कर देंगे। सैचुरेशन, हेयर को भी, और कपड़े को भी यहाँ पे कर देंगे अपने हिसाब से। तो दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ोटो बन चुका है। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से फ़ोटो एडिट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट वेक्स्ट डालना है तो आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो। टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसका थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से डन कर दिया। यहाँ से आप सेव कर सकते हो, सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। तो दोस्तों, आप व्यू करके देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ोटो बन चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।